नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, यदि आप लाल किताब के उपाय अपना रहे हैं तो सावधान। लाल किताब के प्रचलन के चलते वर्तमान में बहुत से ज्योतिष लोगों को परंपरागत फलित या वैदिक ज्योतिष के उपायों के साथ साथ लाल किताब के उपाय भी बताने लगे हैं। हालांकि यह कितना उचित है या एक बहस का विषय हो सकता है, निश्चित ही उस ज्योतिष को लाल किताब के उपाय बताने का अधिकार है जो लाल किताब के उसूलों को अच्छे से जानता हो और जो सभी तरह के नियमों का और सावधानी के बारे में भी लोगों को बताता हो। लेकिन यदि आप चार किताब पढ़कर या इंटरनेट, व्हाट्सएप या अखबार में छप रहे उपायों को पढ़कर अपने जीवन में आजमा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन पर विपरीत असर भी डाल सकते हैं। इंटरनेट पर राहु केतु या शनि के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए लाल किताब के उपाय बताने वाली सैकड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन यदि आप इनके द्वारा प्रचारित उपायों को अपना रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। अब सवाल यह उठता है कि क्यों सावधान हो जाएं। दरअसल लाल किताब एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी ज्योतिष विद्या है। इसके जानकर आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही सोच समझकर आपको कोई उपाय बताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लाल किताब में उपायों को बताने के पूर्व किस तरह के नियमों का पालन करना होता है। कुंडली का सही विश्लेषण किए बगैर आप कहीं से भी पढ़कर कोई उपाय अजमाते हैं तो इससे आपका अहित भी हो सकता है। दरअसल विशेषकों का मानना है कि लाल किताब में यदि किसी चीज को नदी में बहाने का कहा जा गया है तो इसका यह मतलब है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिसे चौथे घर में स्थापित करना है। यदि आपने इंटरनेट पर कहीं यह पढ़ा है कि सूर्य के खराब प्रभाव को शांत करने के लिए बहते पानी में गुड़ बाएं, तो यह जरूरी नहीं है कि यह उपाय आपके लिए सही हो। इस उपाय को पढ़कर जिन्हें नहीं बहाना हो वह भी बहा दें तो सोचे क्या होगा। कुछ लोग सूर्य के लिए हाथों में माणिक या तांबा धारण कर लेते हैं। हाथों में धारण करने का अर्थ है कि आपकी कुंडली अनुसार उक्त ग्रह को तीसरे भाव में स्थापित किए जाने की जरूरत है। अब सोचें, यदि आप गुड़ भी पानी में बहा रहे हैं तो और माणिक भी धारण किए हुए हैं तो क्या होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप लाल किताब के विशेषक को अपनी कुंडली दिखाकर ही कोई नग धारण करें। यदि सूर्य के उपाय पढ़कर धारण किया है तो इसका अच्छा असर हो यह जरूरी नहीं। यही बात अन्य ग्रहों के उपायों पर भी लागू होती है। माना जाता है कि समान उपाय करने में किसी भी तरह की क्या परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए कहना होगा कि एक छोटी सी समान गोली भी आप पर अच्छा या बुरा असर डाल सकती है। लाल किताब में कुछ लोगों को उनकी कुंडली के अनुसार यह भी सलाह दी जाती है कि यदि आपके घर में पूजा घर है तो इससे आपको नुकसान होगा। ऐसे में यह समान उपाय भी सोच समझकर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि लाल किताब के विशेषक सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तु शास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।